तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव कर रहा है, देश के अंदर सभी प्रोडक्ट्स को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ऐसे में ज़रूरत है देश को कड़ी सुरक्षा की। और यह सुरक्षा सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले सभी इक्विपमेंट्स और हथियार भारत के अंदर मेक इन इंडिया मिशन के तहत ही बनाए हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, जो जुड़ी हुई है हमारी नौसेना से। दोस्तों, यहाँ पर मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने पनडुब्बियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है, जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और ये सारा डिसीजन लिया गया। इसी के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम P-75 के ऊपर काफी टाइम से बातें कर रहे हैं और इस परियोजना को काफी लंबे समय से बनाया जा रहा है। इसके अंदर फ्रांस के साथ साझेदारी की गई है, जहाँ पर मेजागन डकयार्ड लिमिटेड ने फ्रांस के साथ पार्टनरशिप की है इन पनडुब्बीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि भारतीय नौसेना ने पहले MDL एंड LNT के साथ 5 ग्लोबल पनडुब्बीज मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जहाँ पर फ्रांस की नेवल ग्रुप, जर्मन TKMS, साउथ कोरियन डिवो, स्पेनिश नवंटिया और रशियन रोसोबोर बो एक्सपोर, ये 5 वो मैन्युफैक्चरर हैं जिनके साथ पार्टनरशिप की गई है। यहाँ पर 24 नई पनडुब्बियां इसके तहत बनाई जाएंगी, जिससे भारत को एक नई ताकत मिलने वाली है। साथ ही में ये पनडुब्बीज काफी ज्यादा एडवांस होने वाली हैं। यहाँ पर एक के अंदर करीबन 18 हैवी वेट टॉरपीडो ले जाने के साथ साथ लॉन्च करने की भी सुविधा इन पनडुब्बियों में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही में रक्षा मंत्रालय का ये भी कहना है कि देश के अंदर स्वदेशी और निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर के जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इससे देश की सुरक्षा काफी ज्यादा ऊपर जा रही है। धीरे धीरे लगातार सरकार इस पे और प्रयास करेगी ताकि देश की सुरक्षा काफी ज्यादा एडवांस कर दी जाए। तो दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।